कर फ्लाइट। आपने समाचार पत्रों में भी देखा, आदम हर एक जगह कहीं नाली खुदी हुई है, कहीं सेवन सिस्टम फेल है। ये एक ऐसी सरकार है कि जो लोगों को पानी भी मुहैया पीने के लिए नहीं कर सकती और सेवन सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर सकती। बीमारी फैलने का डर है, सारा शहर खोद के रखा हुआ है, सारा उसमें एक स्कीम के नाम पे कहता है। और जहाँ तक के मेरे को ये पता चला कि मंत्री बैठ के मजाक में कहता है कि पहले द्रोह तक वाले तो पानी मार पानी के लिए करते थे, टीप कहते हैं पानी काटो। बिल्कुल सीरियस नहीं है किसी हालत में सरकार। इस सारे के सारे मुद्दे के ऊपर हम यहाँ पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। और साथ में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार है, आप सबको विदित है। और ये सामने साथ में पार्किंग है, इसके में जो भ्रष्टाचार हुआ है सबको इस बात का पता है। जहाँ पर सरकार ने टोटल बड़ी ताजिब होता है इस बात के लिए कि शहर को 130 करोड़ की सौगात में सरकारी प्रॉपर्टी में क्या मिला है, 65 गाड़ियों की और 220 स्कूटरों की पार्किंग। इससे ज़्यादा लूट किसके अंदर, 130 करोड़ की लूट में जिसमें मंत्री भी सम्मिलित है, कॉरपोरेशन के एम्प्लाईज भी सम्मिलित है, बड़े बड़े अधिकारी भी सम्मिलित है इस बात में। इसी तरह का घोटाला अर्बन स्टेट जो हमारे सामने छात्री के सामने है, वहाँ भी 50-60 करोड़ से घोटाला कम नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पार्किंग की डिमांड लोगों ने की थी, यहाँ पर कमर्शियल कम्प्लेक्स की नहीं डिमांड की थी। कानून के मुताबिक बेसमेंट 100% पार्किंग अलाउड है। अगर सरकार की मंशा ठीक है, अगर सरकार की मंशा ठीक है तो 2 मंजिल नीचे जाके फुल पार्किंग क्यों नहीं बनाते हैं इस बात के लिए, जब 2200 गज जगह में सिर्फ पार्किंग बन रही है 1100 कुछ गज के अंदर बाकी गजों में, क्योंकि उसमें लागत कम आती है और ये बिल्डर हैं उनकी लागत कम होकर ज़्यादा प्रॉफिट करने की बात है। आज इस पर छोरी मार्केट में 14 लाख रुपया पर स्क्वेयर यार्ड जहाँ पर जगह की कीमत है, 1200 गज कमर्शियल जहाँ पर जो जगह है वो उस बिल्डर को दे दी गई है। सरकार की जो बिल्डर की जो लागत आएगी अब प्रीमियम 2,70,00,000 है और 17 करोड़ रुपया टोटल खर्च होगा। 19,70,00,000 रुपया वो बिल्डर खर्च करके 130 करोड़ की जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको हजम करके जाएंगे। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा घोटाला होगा, बहुत। इसी तरह ये सेम घोटाला इसी पैटर्न के ऊपर शांतपी की जो कम्प्लेक्स है वहाँ पर है। तो यहाँ पर जनता को आगाह करते हैं इस बात के लिए कि इसका भ्रष्टाचार का पट्टा पड़े। और जहाँ तक कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार की बात है, सीनियर पार्षद मेरे साथ खड़े हैं, पहले वाले पार्षद खड़े हैं, कौन सी ऐसी स्कीम जहाँ पर आई, फुहारे लगने हैं उसमें हेरा फेरी, चौक होने हैं उसमें हेरा फेरी।